हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। उम्मीद है आप दोस्त सभी सही होंगे। दोस्तों आज की जो न्यूज़ है आपको बता दी, वो है हाई कोर्ट से रिलेटेड। आप जानते हो कि अभी तक क्या एनएच डिलेड का जो मामला है हाई कोर्ट में ही निलंबित है, यानी कि 2 साल पूरे होने वाले हैं। 2 साल भी 1-2 महीने में हो जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि डेट पर डेट मिल रही है। आगे भी देखते हैं कल क्या होगा कि डेट मिलेगी, फैसला आएगा, क्या होगा क्या नहीं, या पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद फैसला आएगा, फिर उसके बाद कह देंगे भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई, आप जो है आराम करिए घर पे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन देखिए जो केस लगा है, मैं आपको बता दूँ कि केस जो है 13 नंबर पर लगा है। केस जब 13 नंबर पर लगा है, इसका मतलब 10:15 पर हाईकोर्ट खुलेगा। उसके बाद मान सकते हो 11:30 बजे तक के इसका रिजल्ट आउट होगा। उसमें पता लगेगा डेट दी गई है या इसको अंदर लिया गया है, बाहर लिया गया है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो एनएच डिलेड के पक्ष में आएगा, विपक्ष में आएगा, सब चीज़ें हो सकती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी हैं वो दुआ ही कर सकते हैं एनएच डिलेड के लिए कि उनके लिए सही हो, क्योंकि आप देख रहे हो पीछे से जितनी भी डेट पर डेट भी मिल रही है अलग अलग तरीके से, क्योंकि जो ये कोर्स है एनएच डिलेड इसके लिए वैलिड कराने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे और कुछ ही चल रहा था। लेकिन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। लेकिन आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि दुआ करिए कल सही रिज़ल्ट आए, सभी के हक में आए, एनएच डिलेड को राहत मिले और डेट पर डेट ना मिले। या तो इसको बाहर ही कर दे या अंदर ही कर दे, यह होना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि भर्ती जो है पूरी होने के बाद इसका रिजल्ट आए, या कल ही आ जाए या फिर आ जाए। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, यह है कि कल आपको 3 या 3:30 बजे तक बता दिया जाएगा कि कोर्ट में क्या हुआ है क्या नहीं। उसके बाद जो भी होगा देखते हैं। धन्यवाद।